Welcome back to SK One Kids, and we're back again with class 12 ki NCRT physics electric charges and fields NCRT ki back exercises, and this is problem number 1.34 and ye basically last question hai of this exercise of additional exercises from this chapter. So and we have already even covered the entire theory and concepts. So NCRT ke is chapter pe this is gonna be the last video, and then we'll start further chapters like the second is electrostatic potential and capacitance. तो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन पे देख लेते हैं, दैट इज 1.34 कि सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी vx इक्वल्स 2.0 इनटू 10^8 मीटर पर सेकंड इफ e बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर इज 9.1 इनटू 10 स्क्वायर न्यूटन पर कूलम वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन है 1.6 इनटू 10^-19 कूलम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टाइम्स 10^-31 किलोग्राम्स ये हमारा क्वेश्चन है एंड दिस गोज टू एक्सरसाइज 1.33 जहां पे वीसा कि एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है विच इज गोइंग अंडर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये डेफ्लेक्ट होता है तो अमाउंट ऑफ डेफ्लेक्शन जो कि मैंने डेल्टा वाई से डिनोट किया था दिस वॉज क्यू ई एल स्क्वे ओवर में इट वॉज 2 टाइम्स एम टाइम्स वी एक्स का स्क्वेयर वी एक्स इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे ये स्टार्ट किया था यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है राइट इन दिस सिचुएशन दैट्स नथिंग डिफरेंस कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था शो किया था दिस विल बी वो थिंग विल होल्ड वो सिर्फ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है द थिंग इज डन यहाँ पे किस चीज के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि एल स्क्वेयर रीअरेंजिंग द इक्वेशन दिस इज 2 डेल्टा वाई एम वी एक्स स्क्वेयर्ड ओवर में ये हो गया क्यू टाइम्स ई इन दैट ओनली मींस कि एल अगर हमें पता करना है सो दिस इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 2 टाइम्स डेल्टा वाई एम वी एक्स का स्क्वेयर ओवर क्यू टाइम्स ई रिमेंबर हमें क्या क्या गिवन है एक तो वेलोसिटी जिससे ये बिगिन करता है वी एक्स एक ये डिस्टेंस अब एज वी नो कि ये जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट को कौन से पोजीशन पे स्ट्राइक करेगा सो व्हेन इट विल कवर दिस मच डिस्टेंस यानी कि जब ये प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये 0.5 सेंटीमीटर अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा तभी तो अपर प्लेट को स्ट्राइक करेगा एंड दैट इज द थिंग कि ये हमें 0.5 सेंटीमीटर पुट करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस फंडामेंटल कॉन्स्टेंट राइट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड यहाँ पे जो हमारी ई गिवन है उसकी भी वैल्यू गिवन है रिमेंबर एल इज व्हाट एल हमारी हॉरिजॉन्टल पोजिशन है विच इट विल कवर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल जिसमें अपर प्लेट को स्ट्राइक करेगा एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट तो यहाँ पे वी कैन सिंपली पुट इन ऑल द वैल्यूज स्क्वेयर रूट ऑफ 2 टाइम्स में डेल्टा वाई हो गया डेल्टा वाई सो दिस इज दिस थिंग राइट हियर 0.5 सेंटीमीटर हम लोग रख सकते हैं एंड इंटू में क्या इंटू में द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम एंड फिर इंटू में क्या वी एक्स का स्क्वेयर नाउ रिमेंबर वन थिंग राइट हियर कि वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन एसआई सो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर सो दिस विल हैपन उसके बाद में इतना हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट दिस थिंग राइट हियर 2.0 इंटू 10^8 का स्क्वेयर एंड टाइम्स में फॉर दिस थिंग राइट हियर 0.5 इंटू 10^-2 सच दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ओवर 1.6 इंटू 10^-19 इंटू ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 9.1 इंटू 10 का स्क्वेयर ये हमारी एसआई यूनिट में वैल्यू आती है सो दिस इज अगर एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू देखें दिस इज 1.6 इंटू 10^-2 मीटर 1.6 इंटू 10^-2 मीटर एंड दैट मीन्स ओनली 1.6 सेंटीमीटर तो ये इलेक्ट्रॉन जब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली 1.6 सेंटीमीटर कवर कर लेगा एंड देन इट विल स्ट्राइक द अपर प्लेट एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत